जो जब वो रिसर्च किया, जिसको पूरे वर्ल्ड ने एक्नॉलेज किया, तो वो आइडिया कैसे आया? क्योंकि सबसे मुश्किल काम है कि एक सही समय पे एक जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है उसको पहचानना और उस पे अपना 100% लगा देना। तो उनके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, एक जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो जो हमें मिलता है, जो गाइडेंस जो है, सो एक ये अपॉर्चुनिटी है जिसको कि हम डायरेक्टली उनके मुंह से सुन सकते हैं। और इसमें जो और था, एक मीडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री एक्सपो, क्योंकि साइंस और सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें चार पांच चीजें हमारे साथ जो सामने आती हैं, वो एक सोसाइटी को छोड़ के जो हमारा पॉलिसी मेकर्स है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी को अगर हम उस कॉन्टेस्ट में आम आदमी के सामने नहीं रखेंगे, या इवन हमारा पार्लियामेंटेरियन से, क्योंकि अगर हम देखें अभी जो हमारे इलेक्शन हुए उसमें जो इन्वायरमेंट की बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं थी, जबकि सबसे बड़ा क्राइसिस आज की तारीख में इन्वायरमेंट है, एनर्जी है। तो ये एक इस कॉन्क्लेव में या कहीं इस फेस्टिवल में जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर हैं उनके लिए भी एक मीट हो रहा है, जिसमें जो एरियाज हैं जिसके ऊपर एक पॉलिसी लेवल पे ध्यान देने की बात है। क्योंकि अगर हम देखें कि इन्वायरमेंट से जुड़े या साइंस से, टेक्नोलॉजी से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, अभी अगर वो पहुंचते हैं तो वो क्या होता है कि पहले इवेंट हो जाता है या दिक्कतें आने लगती हैं, उसके बाद पॉलिसी लेवल पे हम लोग पहुंचते हैं। तो क्या एक फ्यूचरिस्टिक विजन, तो उसके लिए ये जरूरी है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी साइंस और टेक्नोलॉजी की, या आने वाले टाइम में क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या क्या जरूरतें, क्योंकि जब हम एक प्लान आउट करते हैं तो हमारे फ्यूचरिस्टिक विजन पॉलिसी लेवल पे कैसा हो, उनके लिए ये जरूरी है। तो एक में जितने भी एसएनटी मिनिस्टर हैं सब स्टेट्स के, उन लोगों का भी एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक सेशन है पूरे दिन का, जिसमें कि वही डेलिब्रेशन होंगे। और यंगस्टर्स के लिए इसमें हर साल जो एक बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए लगभग 5,000 बच्चे पूरे देश से आते हैं, और इस बार भी हर डिस्ट्रिक्ट से इंडिया के 5 बच्चों को जो एमपी है वहाँ के, उन्होंने नॉमिनेट किया है, और वो सारे बच्चे एक साथ एक ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो पिछले 2 साल से ये रिकॉर्ड बन रहा है, और इस साल की कोशिश है कि एक ही एक्सपेरिमेंट को इतने सारे बच्चों ने एक साथ किया। सो दैट इसमें ऑलरेडी मेरे ख्याल से जो हमारे पास अभी तक 5,000 बच्चों के नाम आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी एक और जो है